फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो पहला डिसऑर्डर फ्रेंड हाइपरटेंशन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं फ्रेंड? हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है फ्रेंड? यह वह अवस्था होता है जिसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो हाइपरटेंशन इज़ द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज़ हायर देन नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है फ्रेंड? 120/80, 120/80 होता है। ठीक है, अगर बात करें 120 mmHg की, तो 120 mmHg को फ्रेंड बोलते हैं सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो इसमें 120 mmHg, इसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर कहते हैं। और जो 80 mmHg है, इसे फ्रेंड डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पहला 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक या पंपिंग प्रेशर कहते हैं। जो 80 mmHg को क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर कहते हैं। क्लियर फ्रेंड? अगर अगर किसी पर्सन का बीपी बार बार चेक करने पर अगर किसी पर्सन का बीपी बार बार चेक करने पर 140/90 या इससे अधिक आता है, इससे अधिक होता है, तो वह अति तनाव, उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? हाइपरटेंशन कहा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या शो करता है? अति तनाव शो करता है। क्लियर? हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीजेज होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेज एंड आल्सो अफेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। तो फ्रेंड, जो हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीजेज होती हैं और अदर वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, जैसे ब्रेन व किडनी। ठीक है फ्रेंड? तो जो वाइटल ऑर्गन होते हैं फ्रेंड, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। वाइटल ऑर्गन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। क्लियर फ्रेंड? अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट डिजीज के बारे में, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो स्कैड को फ्रेंड, इसे इस डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसमें कैड में क्या होता है फ्रेंड? वो वेसल्स अफेक्ट होती हैं जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। तो कैड में फ्रेंड क्या मैंने बताया कि वो वेसल्स अफेक्ट होती हैं जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं। ऐसा ये जो बीमारी, इस बीमारी का कारण क्या फ्रेंड? ऐसा इसलिए होता है कि आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के जमा होने से होता है। तो जो कैड बीमारी फ्रेंड, ये किसके कारण से होती है? तो जो ये बीमारी है, कैल्शियम आर्टरीज के अंदर कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू के जमा होने से होता है, जिससे क्या होता है कि आर्टरी की ल्यूमेन नैरो हो जाती है। आर्टरी की जो ल्यूमेन होती है वो कैसे होती है फ्रेंड? नैरो हो जाती है। क्लियर? अब नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे फ्रेंड, एंजाइना के बारे में। तो एंजाइना, इसे एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हार्ट मसल में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, तब सीने में दर्द होता है। तो सीने में क्या होता है फ्रेंड? दर्द होता है, चेस्ट पेन। ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्लियर फ्रेंड? जो एंजाइना की पहचान है, जो क्या है? एंजाइना की पहचान क्या फ्रेंड? चेस्ट में पेन, सीने में दर्द होना। क्लियर? अब बात करते हैं एंजाइना मेल या फीमेल में किसी भी उम्र में हो सकता है। एंजाइना फ्रेंड मेल या फीमेल में, मेन या वीमेन में, ये किसी भी एज में हो सकता है। बट इट इज़ मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज एंड एल्डरली। तो हमने ये बताया फ्रेंड, एंजाइना मेल या फीमेल में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यह मिडिल या एल्डरली एज में होता है। क्लियर? यह स्टेज ब्लड फ्लो की कंडीशन के अफेक्ट होने से होती है। ये जो स्टेज है, यह जो अवस्था फ्रेंड, ब्लड फ्लो की कंडीशन के अफेक्ट होने से होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हमारा क्या है, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? कि जो हमारा हार्ट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो जाता है। हार्ट फेल हो जाता है अपने काम को करने में। हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। लेकिन जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हार्ट उतना ब्लड नहीं पंप कर पाता जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड? तो हमारे बॉडी की ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहा है हार्ट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने ये बता दिया फ्रेंड कि यह वह अवस्था होती है जब हार्ट बॉडी के
अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनकी ज़रूरत पूरा नहीं कर पाता, मतलब पूरा ब्लड का सप्लाई हमारे बॉडी को, जितना हमारे बॉडी को ब्लड चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, नहीं पंप कर पाता है। इसे कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। इसे कभी कभी क्या बोलते हैं फ्रेंड, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी कहा जाता है, क्योंकि लंग्स में कंजेशन इस बीमारी का मेन सिम्टम्स है। लंग्स में क्या फ्रेंड, कंजेशन इस बीमारी का मेन सिम्टम्स है। अब यहाँ पे बात किया फ्रेंड, हार्ट फेल्योर कार्डियक अरेस्ट से अलग होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें फ्रेंड, हार्ट फेल्योर कार्डियक अरेस्ट से बिल्कुल अलग होता है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है फ्रेंड, हार्ट की धड़कनें जो हार्ट बीट करना बंद कर देता है, ठीक है, हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है। अगर वहीं बात करें हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक में क्या होता है फ्रेंड, जब हार्ट मसल डैमेज हो जाती हैं अपर्याप्त ब्लड सप्लाई की वजह से, मतलब पर्याप्त मात्रा में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था फ्रेंड किसके बारे में, हार्ट फेल्योर के बारे में। तो यहाँ पे हमने तीन पॉइंट जाना फ्रेंड कि हार्ट फेल्योर में क्या हो जाता है कि हार्ट हमारा फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में, जितना हमारे बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है उतना ब्लड नहीं सप्लाई कर पाता है, क्लियर। हार्ट तो वहाँ पर यहीं पर देखा हमने कार्डियक अरेस्ट बारे में। कार्डियक अरेस्ट में क्या बताया फ्रेंड, जब हार्ट बीट करना बंद कर देता है। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट मसल डैमेज हो जाती हैं अपर्याप्त ब्लड सप्लाई की वजह से। तो ये था फ्रेंड किसके बारे में, सारे डिसऑर्डर के बारे में।